मीराबाई इंदर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। विश्वकर्मा फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य विश्वकर्मा महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सैकड़ों समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ साथ शहर के कई दिग्गज नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। आपको बता दें, बीते 9 सालों से विश्वकर्मा फाउंडेशन लगातार विश्वकर्मा महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। अपने फाउंडेशन के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों को हर तरह की मदद करने में अक्सर दिखाई देते हैं। श्री विश्वकर्मा फाउंडेशन की तरफ से वार्षिक सम्मेलन और आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जो यहाँ सम्मेलन किया गया और सभी समाज के लोगों को सम्मानित किया गया विश्वकर्मा समाज को, मैं राकेश विश्वकर्मा जी और उनके सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक समाज को संगठित करना सब में मुश्किल काम होता है। राजनीति में तो हम जनता चाहे उतनी जमा कर सकते हैं, मगर एक समाज को संगठित करना और हर साल उसे संगठित रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है जो ये फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं। और इसी तरह से मीरा महेंद्र शहर के सारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को वो संगठित करते रहें और उनकी ज़रूरत में हर चीज़ में वो काम आते रहें, ये मेरी सारी शुभकामनाएं। पिछले 9 साल से हमारा ये जो कारवां है चले आ रहा है और इसमें समाज हमें बहुत ही विश्वास देता है। समाज के भाई बंधु आते हैं, कार्यक्रम होता है, अच्छा लगता है। इसमें हमारे बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर छात्र, उनका सम्मान होता है। उसके साथ ही किसी को आर्थिक तौर पर अगर मदद भी करनी होती है तो विश्वकर्मा समाज करता है। और जैसा कि हम यहाँ पे भवन निर्माण की एक सोच रखे हुए हैं, उसी को आगे लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं और जल्दी हमारा अपना भवन भी होगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि विश्वकर्मा फाउंडेशन जो है सिर्फ कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई जरूरतमंद बच्चा है तो अगर पढ़ाई लिखाई में उसे कोई दिक्कत आ रही है, मेडिकल में कोई तकलीफ आ रही है, तो हम लोग इस तरह के लोगों की मदद भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि समाज में मदद करना एक अपना भाव होना चाहिए जिसमें समाज को आगे बढ़ाना होता है। तो ऐसे कई कार्यक्रम है जो विश्वकर्मा फाउंडेशन आने वाले दिनों में करने वाला है और समाज का जहाँ है तो समाज का विकास भी हुआ है। और विश्वकर्मा फाउंडेशन को विश्वकर्मा समाज का साथ मिला हुआ है, इसलिए विकास रुकेगा नहीं। हमने जगह ली हुई है घोड़बंदर में, हमारा काम चल रहा है और उस जल्दी ही उस पे आप लोगों को हमारा एक छोटा सा भवन दिखेगा। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, क्योंकि एक फंड है, उसके लिए तैयारी करनी होती है, तो उन तैयारियों में हमारी कमेटी के सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं। देखिए, विश्वकर्मा पूजन के पावन अवसर पे विश्वकर्मा फाउंडेशन द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन हर वर्ष की बात की, इस वर्ष भी जो है उन्होंने रखा है। समाज के तमाम लोग यहाँ पे परिवार के साथ उपस्थित हुए और बहुत ही अच्छा कल्चरल इवेंट है। बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है पूजा का भी आयोजन रखा है तथा पारिवारिक भोजन का भी आयोजन रखा है, तो समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। भगवान विश्वकर्मा हम लोगों के आस्था के विषय है, सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। तो आज जितने भी जो है उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो है लोकंड इंडस्ट्री और कल कारखाने तथा भवन निर्माण, सभी को जो है भगवान गणपति के बाद अगर आराध्य देव माना जाता है तो भगवान विश्वकर्मा को मानते हैं, तो उनके चरणों में हम लोगों ने वंदन किया और कल्चरल इवेंट का हमने बहुत आनंद लिया। और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज विश्वकर्मा फाउंडेशन समाज सेवा इस शहर में करते हैं। उन्होंने ऑफिस भी बहुत अच्छा बनाया है, उसके साथ साथ उन्होंने जो है लैंड भी लिया है, तो बहुत ही वेल प्लांट काम करते हैं। और समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बीच बीच में उन्होंने मेडिकल कैंप भी चलाते हैं, जॉब फेयर भी लगते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे जो नॉर्थ इंडियन जो हमारी संस्थाएं हैं उसके लिए विश्वकर्मा फाउंडेशन एक एग्जांपल है। मैं तो कहूंगा कि हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं वो ऐसे फाउंडेशन से सीख। कर्मा फाउंडेशन का अध्यक्ष राकेश जी के द्वारा ये प्रोग्राम विगत कई सालों से हो रहा है, मैं अटेंड किया हूँ। विश्वकर्मा पूजा हमारे उत्तर समाज में, उत्तर भारतीय में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हर घर में गणपति जी का आराधना होता है, पूजा होता है, उसी तरह से आप उत्तर भारत में जाएंगे तो विश्वकर्मा पूजा हर के दरवाजे पर बहुत बृहत रूप में होता है। महाराष्ट्र में लोग कम जानते हैं कि विश्वकर्मा भगवान क्या है, ये तीनों लोग का शिल्पार तीनों, तो इस तरह से पूजा हमारा घर से लेकर हर चीज़ तक के विश्वकर्मा जी का जरूरत पड़ता है। आप गाड़ी, आप दरवाजे घर में दरवाजे लगाते हैं, कौन बनाते हैं, ये विश्वकर्मा लोगों का देन है जो हम लोग स्वच्छ जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो ये जन जन तक पहुंचाना हम लोग का काम है कि विश्वकर्मा भगवान भी एक हैं। उसी आज हर 17 तारीख को जिस तरह से 14 जनवरी को संक्रांत मनाया जाता है, उसी तरह से 17 सितंबर को हर साल
दिन जो भी हो, लेकिन 17 सितंबर को ये विश्वकर्मा पूजा मनाया। आज जैसे जानते हैं, आज विश्वकर्मा समाज के प्रोग्राम के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज ये समाज को बहुत बड़ा उपहार दिया है उनके जन्मदिन के अवसर पे, कि जो भी पारंपरिक शिल्पकार होंगे, जो भी कारीगर होंगे, उनके लिए जो योजना के तहत बिना गारंटी उनको लोन दिया जाएगा और समाज के जो भी लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी जी ने एक नया उपहार दिया है पूरे समाज को, विश्वकर्मा समाज। विश्वकर्मा फाउंडेशन जो सक्षम नहीं है उनको हर तरफ से मदद करने की कर रहा है और आगे और करने का विचार कर रहा है। जैसे चाहे कारीगर हो, शादी विवाह का हो, कोई गरीब बीमार है, उसकी भी मदद हमारा विश्वकर्मा फाउंडेशन कर रहा है।